पैगिन से ही हुआ था। अब बार बार मत कहियो क्यों। तो पार्वती अपने पति के रूप को देखकर अपनी महतारी को समझाया, क्या कही, अरे पति मेरे प्राण दियूं प्यारे मैया मंदना, जे तुम्हें मालूम नहीं है पार नाए कछु इनकी गति को, पहले रूप हो मात सती को, और अब के बने गो पार्वती को मैया बार बार नहीं थी ब्याह हो तो इन लली जैसे हते बुरे भले तैसे निकल नहाए धोए तो आवते सब गांव हंस रहो है। अब सुनो, तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है के नार विवस नर सकल गुसाई और नाच है नट मरकट की। आज कोई तुम ते बाल को छाती ठोक के जे कहे के हम अपनी घर भाई ते ना डरपत, बिल्कुल झूठ, वो सपे झूठ बोल रहे हैं। अंतर कितनो है, काउ के चौखट के भीतर है, काउ के चौखट के बाहर है। एक को नाम थोड़े लिखो ने, अब तुम यही देख लो। सब देवतन ने कही, कहने का भाई सकल चेंज निकल लो, नंदी सुन ने कही नहाए धोए के बढ़िया बन लो, भूत खाई से जिन्नन ने कही कन्ने कछु बढ़िया सकल कर लो, काउ की मानी नहीं मानी। ओ अबई बिनते भामरू ना पर पाई, सो दूतई भवन की छत पे ने कान में कूकत दैया सोई बदल गए। बदले कैसे, के शंकर राम रूप अनुरागे और नैन पंच दस अति प्रिय, पांच शीश और 15 नेत्र जो सुंदर काया बनाई है बैल पे। अब बरात को देख के खुशी भई और सब नगर वासन खुशी भई के बरना अब सुंदर रहा। बरात जन्मा सो ले गई। अब राजा ने विचार करो कि बुलाए देवताए और जे देवता और भूत कहीं से सवाए तो जे मैं जांच कर रहे, मैं राजा हूं और जे बाबा जी हैं, जे बरात बड़ी ले आए तो मैं बिगाड़ेंगे का घमंड आ गया। और जीवन में ध्यान रखना, परमात्मा भोजन खाता है तो सब्जी रोटी नहीं खाता, वो केवल घमंड को ही खाता है। दुनिया में बल बढ़े और चाहे धन बढ़े, इन दोनों चीजों का कभी गर्व मत करना, ये दोनों चीज तुम्हारे अधीन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। धन की बात बताऊं, क्या धन जिस समय परमात्मा देता है तो यज्ञपति महाराज जी छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो लेंट तोड़ के लेता है, इतना बल होता है उसमें। तुम देखिए बड़े बड़े सेठ बिल्कुल तंदुरुस्त खाए खबे चुगे चौटे, और तुम गए बाजार में देखे आए उन्हें दुकान पर बैठे, और कहो तो 6 महीना तुम दुकान बना जा पाए, 6 महीना बाद भाई तो भोटू पर माला टंगी मिलते का वो, ये तुम्हारे अधीन नहीं है। तो आज भोलेनाथ सुंदर बने, राजा को ये घमंड है, तो राजा ने दो नौकर भेजे कि जाओ शिवजीत कह दो बरात भेजे भोजन के लिए। बरात कितनी बड़ी है, मेला का खाती कमी है, लेकिन शिवजी विचार कर रहे हैं कि राजन अब दावत तो बाद में खाएंगे, पहले तेरा घमंड ही खाएंगे, चिंता मत। जो भी दोनों नौकर आए भोलेनाथ की महाराज चलो बरात दावत को भेजो। भोलेनाथ जी सुनो, हमारी बरात दो बेर में खा गई। ये दोनों नौकर बोले चलो बढ़िया बात है, बड़ी बरात है तो दो बेर में खवा दो। कन्ना तो पहली बार में दो बालक खाऊंगा, पीछे घूरे पर बैठे गए, और दूसरी बार में सब बरात खा ली। दो नौकर बोले कि बरना शरीर तना है, अकल तू पेच ढीले हैं बिल्कुल। अब बताओ जी कोई बांट करो है, एक बेर में दो एक बेर में सब। तो जो भोलेनाथ ने सारा करो सुख को शनि चंद्र बनने की, चल भैया नंबर पहले ही आ गो दावत। तो जाकर वे सुख को शनिचर उठ के चले, हाथी कैसे झोटा खा जा रहे, हत कैसे मूड बड़ो सीना पतरो कमर चोरी।
सो जा घर में भोजन रखो जातो दावत को बात का कहते हैं पास पास के गेट पर एक बैठा तो जालंग और एक बैठा तो जालंग और इतने भोलेनाथ ने नेत्र बंद कर लिए क्योंकि चिंता मत करो दावत तो बाद में खबाई सब पहले तो घमंड खबे हो तो जो भी निकलाओ सुबह दोनों नौकर भीतर गए सो पत्थर लाए और जो पत्थर धरी दोनों ते ओ बे हट ना पाए पीछे को का करो अरे नहीं तो हुनु देर करी रे एक निकी कौन उड़ गई वही बोलुआ था सुबह चार और बोलुआ धर गए और भीतर गए खाए पे सामान ले और तब तक का करो अब तो तमाकू की तरह मीड़े और पाए अब बेल आए पूरी कचौड़ी लड्डू बालू साई दलिया भर गए अरे बोलुआ पातर कहा है एक ने की तो जब सकल से देखिए कितने मलू को दिख रहे हैं कि क्या करें कि नहीं पंडित तो वो भरी भराई दलिया मई पंडित और दोबारा भर के नाला पा तो तक साहब फिर पंडित गए और फिर भर के नाला पाए तो तक फिर साहब तो भी तरती ले सुख सनी चरु बैठे तारे यज्ञपति महाराज जी बेत भर भर के लात रहे और जे दुआ खात रहे कितनों खाए गए ऐसे लला भाई और सुकुन ने कही अरे ए भैया लाओ ना ए भाई तो हम कैसे उठा है अब भीतर कछु हो तो लाओ मैं और क्या बात है नई नई उम्र के बालक न जानो तो बड़े बूढ़े से पूछ लियो पास में सामान निपट जा तो पसवैया बाहर ना आवत फिर मामलो खत्म सुकुन ने कही ना लेकर अरे ते घर में कछु ना है तो नानी कर दे इतना भोले बाबा नजर जमाए बैठे कि राजा तुझे घमंड है और तेरे घमंड का ही भक्षण पहले है तो जो वे भीतर से ना निकले सो सुकुर खड़ा बहुत चौखट में बात करो कहा जैसी दांतन ते चबी मन भीतर की देखे भैया का वो भीत गिर पड़ी का ओ दद्दू भीत ना गरीब चौखट ले वो सनी चलने की ते घर में कचना है तो ना ही करते जाए अब वे भीतर कांप रहे सनी चलने का करा कोनी दई
डोबा में ती ईट ले करी मन ईट उठा उठा खाई एक ने की भैया देखिए छत डार गो का ओ भैया छत ना डार गो एक ने खा ले ईट एक खारो चौखटे जे मो तो और खा जांगे महाराज राजा ने की कह रहे आप कैसे रहे हो पसीना कैसे आ रहे हो बरात दावत खा गई ए महाराज बरात की कह रहे हो दो लड़का आए हैं वही दो जन्माष्टमी में थे और सब भोजन खा गए सब खा गए महाराज पर सबसे बड़ो दुख तो हमें जा बात को है जब दो बालक आए कहा चिंतित बहुत बड़े बड़े पेट लुके तो बैठे हैं मां भाई राजा ने की कछना बचो ए महाराज बचबे ही कह रहे हो लौट के जाएंगे तो तक ईट उठना है घमंड चूर हो गया बिल्कुल बिल्कुल दोनों हाथ जोड़े दांतन में तिनका दो हेमंचल महाराज शिव जी के सामने खड़े हो प्रभु बना दो तो तुम्हारे हाथ में और बिगा दो तो तुम्हारे हाथ में अब आ पाए अपनी जगह पे जीवन में ध्यान रखना आज भावना बनी कौन सी है चार मंजिल अगर कोठी बना ली है शीशा लगा के तो बना ली है मैंने और नेक वो चटक जाए तो चटका दी है राम ने बिगाड़ दी है तो राम ने बना दी है तो तेने ताते एक ही बात कह दो बना दी है तो भगवान ने और बिगाड़ दी है तो भगवान